सवाल करते हैं, वो कौन सा दुकानदार है जो माल भी आपसे लेता है और पैसे भी आपसे लेता है? जो माल भी हमसे लेता है, पैसे भी हमसे लेता है। मजे, दो दो मजे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, लड़कियों के हाथ भी पकड़ रहे हैं। अच्छा, चलें फिर, आपकी सेहत भी उस हिसाब से है ना फिर। भी आएंगी, दोस्ती भी होगी। कितने बच्चे हैं? मेरा एक है अभी, दूसरा इंशाल्लाह होने वाला। आजकल हमारे माशरे में कोई इज्जत करता है तो उसको बोलते हैं जी ये बुढ़ी थले लगा है। बस हमने तुम्हें बनाना, फिर अल्लाह से कहता है या अल्लाह, इसको रूठना नहीं चाहिए। Assalamualaikum, Public Points के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट फाइकरी, और इस वक्त आप देख सकते हैं एक और जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे लोग खाना खाने आए हुए हैं। और वही बात आ गई ना, मैं फिर से आज लोगों को खाना खाते हुए तंग करने वाली हूँ। सो आज का सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, सवाल आज का दुकानदारों पे है। आप लोग बहुत से दुकानदारों के पास जाते होंगे, तो सवाल ये है कि वो कौन सा दुकानदार है जो माल भी आपसे लेता है और पैसे भी आपसे लेता है। तो आप लोग भी अपना दिमाग जो है वो लड़ाएँ और सोचें वो कौन सा दुकानदार है जो माल भी आपसे लेता है और पैसे भी आपसे लेता है। तब तक मैं यहाँ मौजूद लोगों से पूछती हूँ, मेरे साथ रहें। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? एहसन। एहसन क्या करते हैं? मैं मैम सिमो का काम करता हूँ फ्रेंचाइज पे। और अच्छा, यहाँ काम कर रहे हैं? जी जी। कैसा जा रहा है काम? शुक्र अल्लाह पाक का करम, वेरी गुड। चले, मैरिड है? जी मैरिड हूँ। कितने बच्चे हैं? मेरा एक है अभी, दूसरा इंशाल्लाह होने वाला। क्या? बताना जरूरी था? जी जरूरी था। जरूरी क्यों था? औलाद एक नेमत ही ऐसी है अल्लाह ताला की दी हुई। खुश हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। से आपके मुंह से निकल गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आगे निकलना नहीं चाहिए था। जी कैमरा ओके, सही कह रही है, निकलना नहीं चाहिए था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया। अल्लाह ताला आपकी औलाद को नेक बनाए और अच्छे से दुनिया में लाए, सही है। चलें, मुझे ये बताएं काम ठीक जा रहा है आपका? शुक्र अल्लाह का, लॉकडाउन से पहले तो आपको पता क्या हाल था, अब कुछ आके बेहतर हुआ चार दिनों के अंदर। कास्ट क्या आपकी? मेरी कास्ट है अपना बट है। बट है आप? जी। लग भी रहे हैं, पठान। कलर फेयर है ना आपका? अच्छा अच्छा, थैंक यू। फिर बट है, सेहत से भी लगता है। थैंक यू। अच्छा, फिर खुश है शादी से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। बीवी अगर नाराज हो जाए कैसे मनाते हैं? नाराज हो जाए बस जी, किसी ना किसी तरह मना लेते हैं भाई कि तुम ना रूठो। तो क्या नाचोगे? बस हमने तुम्हें मनाना, फिर अल्लाह से कहता है या अल्लाह पाक, इसको रूठना नहीं चाहिए। अच्छा, नाराज होती है तो क्या मतलब क्या करते हैं? किसी ना किसी कोई तरीका बताएं हमारे पाकिस्तानी नौजवानों को क्या करना चाहिए। अपनी बीवी की ख्वाहिशें मेरी है कि अपनी पूरी करूं किसी तरह भी, चाहे अपना जिस तरह मर्जी मेहनत करके कमा के रिस्के हलाल अपनी बीवी को अपने बच्चों को खिलाया जाए, और फिर ले जाता हूं आउटिंग पे के चले वगैरह खिलाते, खाने वगैरह खिलाता हूँ, आइसक्रीम खिलाता हूँ, चले आ जाए अभी बाहर चलते हैं सैर पे चलते हैं, फिर इसी बहाने चले आउटिंग की आउटिंग हो जाती है, और उसी बहाने चले बीवी भी खुश। बच्चा भी खुश। वेरी गुड। चले अच्छा, समझदार है काफी आप। सवाल करते हैं आपसे, वो कौन सा दुकानदार है जो पैसे भी आपसे लेते हैं माल भी आपसे लेते हैं? वो कौन सा दुकानदार है जो पैसे भी आपसे लेता है और माल भी आपसे आपसे लेता है? ज़कात। ज़कात? दुकानदार की मैं बात कर रही हूँ भाई। अच्छा दुकानदार, और आप उसके पास जाते हैं? वो दोबारा रिपीट कीजिएगा। जो पैसे भी आपसे लेते हैं माल भी आपसे लेते हैं और आप उसके पास जाते हैं, मतलब हर बंदा उसके पास जाता है? हर बंदा ही तकरीबन जाता है। कोई थोड़ा सा हिंट? हिंट दे दूँ मैं आपको, कटिंग में आता है वो, इससे ज्यादा मैं हिंट नहीं दे सकती। कटिंग में तो अपना दिमाग लगाए आप? नाई नाई, शुक्र है दिमाग लगा लिया आपने। थैंक यू, वो थोड़ी सी हेल्प की आपकी मदद। नहीं जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अरसलान। अरसलान का मतलब क्या होता है? अरसलान का मतलब शेर। क्या करते हैं? मैं मेहंदी लगाता हूँ। किसके? लड़कियों के। आए मजे, दो दो मजे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, लड़कियों के हाथ भी पकड़ रहे हैं। लगाते हैं, इस तरह का काम तो नहीं करते हैं। रोजी रिजे घुमाने बैठे हैं हम, इस तरह के काम तो झूठ दे मैं बोले नहीं ना। ये वाला शौक शौक कहाँ से आया आपके अंदर मेहंदी लगाने का? ये बस काम पर आया था मैं यहाँ पे ना। अच्छा। तो मेरे उस्ताद आए थे, उन्होंने मुझे मेहंदी का मशवरा दिया तो मैंने वो भी सीख ली लगानी। लगा इसमें तो बहुत मजे है ना, लड़कियाँ भी आएंगी, दोस्ती भी हो जाएगी और पैसे के पैसे। नहीं नहीं, मजे तो नहीं, पैसे हैं इसमें। पैसे हैं इसमें? हाँ जी, पैसे इस काम में। कैसी मेहंदी लगाते हैं, मतलब अच्छी लगाते हैं? हाँ, हर किस्म की लगाते हैं, ब्राइडल भी लगाते हैं, कैजुअल भी लगाते हैं। मेहंदी के अलावा और क्या काम करते हैं? मेहंदी के अलावा मेहंदी का सामान होता है हमारे पास। हाँ जी, और चूड़ियाँ वगैरह होती हैं। अभी ऐसा हुआ है कोई लड़की इंप्रेस हो गई हो आपकी मेहंदी की वजह से और फ्रेंडशिप हो गई हो आपकी?
होता है लेकिन हम इस तरह का काम नहीं करते। सख्त लोड है आप? हाँ जी। अच्छा ऐसे ही रहना है? मैरिड है? नहीं मैरिड नहीं है। अभी तक शादी नहीं? नहीं। अच्छा जी लड़कियों इस तरह का काम हो ना कि लड़कियों के साथ ज्यादा काम हो तो लड़के शादी देर से करते हैं, आपका क्या ख्याल है? नहीं जरूरी नहीं होता, हर बंदे के अपने ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, तो आपने शादी कर लेनी है टाइम पे? हाँ जी टाइम पे कर लेनी। हाँ जी मेरी वालदा जब कहेंगी मैं तब करूँगा। बड़े शरीफ हैं आप तक, और वो भी इस फील्ड में आके। जी चलो जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद हैदर अब्बास। समझा बोलेंगे? सैयद हैदर अब्बास। मुझे ये बताएं सेहत का क्या राज है, क्या खाते हैं? मैं जी खाना खाता हूँ जी। खाना खाते हैं? हाँ जी। हम तो बाजरा खाते हैं। अच्छा चलें फिर आपकी सेहत भी उस हिसाब से है ना फिर। सही है। चलें मैरिड है? हाँ जी मैरिड है। कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह दो बच्चे। दो बच्चे हैं। कितना टाइम हो गया शादी को? मुझे 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। कैसा गुजरा ये अरसा? हाँ जी अल्लाह का शुक्र है जी अल्हम्दुलिल्लाह। शादी से पहले खुश है, शादी के बाद खुश है? दोनों हालतों में खुश हैं जी। दोनों में? हाँ जी। बीवी से डरते हैं, अम्मी से डरते हैं? बाजी अल्लाह की ज़ात से डरते हैं, बाकी इज्जत होती है माँ बाप की। और नहीं डरने वाली बात क्या, बस ठीक है इज्जत पर। ये हुई ना बात। इज्जत करने को डरना नहीं कहते हैं। आजकल हमारे मुआशरे में कोई इज्जत करता है तो उसको बोलते हैं जी ये बुढ़ी थले लग गया। दिमाग काम करता है जी सब तो ज्यादा। हाँ जी जब भी है लग रहा है आप। बस जी इसी पंजाबी फुल साथ ही पंजाबी में आ गए ना, ऐसी है बस। चले सवाल करते हैं, कौन सा दुकानदार है जो माल भी आपसे लेता है और पैसे भी आपसे लेता है? जो माल भी हमसे लेता है और पैसे भी आपसे लेता है? अच्छा जी नहीं जी इतना नहीं। चले मुझे बताइए दिमाग काम करता है? अल्लाह जी सब तो ज्यादा। इतना नहीं पता और आप उसके पास जाते हैं? अच्छा जी जाते हैं। माल भी हमसे बंदा जाता है वो ये है फिर नाई होगा। यस देखा गैस कर ही लिया, अभी कह रहे थे इतना नहीं देखना दिया तो मैंने आपने गैस की। अच्छा जी शुक्र है दिमाग काम करता है, अक्सर लोग होते हैं शादी के बाद उनका दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। ये ना सोचें वो डबल हो जाता है। डबल हो जाता है? डबल कैसे होता है? बस जिस तरह बढ़ती जाती है रूटीन में बच्चों की ये वो। फैमिली डबल होती है मतलब दिमाग भी डबल होता है वो सब पता है। मुझे सब पता है, देखो मेरी शादी नहीं है मुझे पता है सब। चले जी चले थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सलमान रफीक। क्या करते हैं जी? मैं इधर कादर बर्गर पे काम करता हूँ। अच्छा जो घर बाहर जो है खाने बनाते हैं वो घर में भी खाने बनाते हैं ऐसा है? घर में खाने बनाते हैं आप? नहीं घर में नहीं। घर में क्यों हर ड्रामे दिखाते हैं? नहीं घर वाले बनाते हैं। घर वाले बनाते हैं? हाँ। मैं आज तक आपने कभी खुद से नहीं बनाया खाना? नहीं, कुछ भी नहीं। चाय भी नहीं कभी बनाई? चाय भी नहीं बनाई। हाँ। पानी भी नहीं पिया होगा खुद से? पानी तो पी लेते हैं। पानी पी लेते हैं। स्वाब का काम है, अगर किसी को जरूरत पड़ती है घर में तो मैं उसे पानी पिलाता हूँ। पिला देते हैं तो हो। वाइफ है आपकी? जी। अच्छा कितना टाइम हो गया शादी? 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए? अरे यंग एज में कर ली होगी आपने शादी है ना? ऐसे आप तो अभी भी यंग ही हैं। ऐसे ही है। तो वैसे जो लोग यंग होते हैं ना शादी के बाद तो वो दूसरी शादी के चक्कर में होते हैं, आप तो नहीं है? नहीं नहीं की बात है। हाँ। पहले से खुश है? हाँ जी। पहले से तंग है? नहीं नहीं खुश। खुश है? हाँ जी। चले वेरी गुड। मुझे ये बताएं वो कौन सा दुकानदार है जो माल भी आपसे लेता है और पैसे भी आपसे लेता है? आप दुकानदार हैं आपको पता होना चाहिए। माल भी हमसे लेता है पैसे भी हमसे लेता है, वो तो मेरे ख्याल में पुलिस वाले ही हैं। पुलिस वाले? हाँ। पुलिस वाले दुकानदार कहाँ से आ गए? यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा हुआ वरना आपको बताते वो। नहीं आप कह रहे हैं ना माल भी लेता और माल भी देता है तो वो ही है। माल भी लेता है आपसे और पैसे भी आपसे लेता है? माल भी आपसे लेता है पैसे भी आपसे लेता है? मुझे नहीं इस बारे में आईडिया। नहीं आईडिया? नहीं। थैंक यू सो मच। सो व्यूवर्स कैसा लगा आज का शो? आपको फीडबैक जरूर कीजिएगा, मुझे बहुत मज़ा आया आज लोगों से बात करते हुए, मुझे अच्छा लगा। और सवाल बहुत इंटरेस्टिंग था, सवाल ये था कि वो कौन सा दुकानदार है जो माल भी आपसे लेता है और पैसे भी आपसे लेता है, तो वो है नाई। ठीक है नाई जो है वो माल भी आपसे लेता है और पैसे भी आपसे लेता है। सो अगर आप चाहते हैं हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।